हाँ तो देखिए प्रिय बंधु, आप लोगों को इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण के बारे में। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्थिर क्वाथी, एजियोट्रोप्स के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा एजियोट्रोप्स, मिक्सचर के बारे में क्या होता है ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है, पहले इसके चार फंडा को मैं बताने के बाद ही डेफिनेशन पर जाऊंगा और उसके बाद इसे लिखवा भी दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो इसकी फंडा क्या होता है, पहले ये बात सबसे बड़ी ये है कि इसका क्या चीज होता। तो ये सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये पहले लिख देता हूं, स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण, या इसी को बोलते हो स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां से बात करें, आप लोगों को बता दूं तो इसी को बोलते हो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड मिक्सर कह सकते हो। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। ठीक है ना, क्या बोलते, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये मैं बताना चाहूंगा कि ये लागू जब भी होगा तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब बाइनरी सॉल्यूशन का मीन क्या होगा प्रिय बंधु, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन के बारे में आप लोग जानते हो, ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब कि केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, एक विलेय होगा दूसरा विलायक होगा, दूसरी पार्ट में फिक्स। ये पहला पॉइंट डिनोटेड कर लो। दूसरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, इनके जो अमाउंट जो होंगे, मात्रा जो होंगे फिक्स्ड होते हैं, एक निश्चित अमाउंट होती है, एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे तभी ऐसे द्रव मिश्रण बनेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इनका मात्रा जो होगा, मात्रा ठीक है निश्चित रूप यानी निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है, निश्चित अनुपात में होगा, डेफिनिट रेशियो में अमाउंट होगी। क्लियर, जैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे जल हो गया और HCl, इसमें बात करें। ठीक है, जब इन दोनों कंपोनेंट से मैं स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण मैं बनाना चाहता हूं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण ये विलयन मैं तैयार करना चाहता हूं, तो जल और HCl की प्रतिशत यानी कि रेशियो फिक्स होनी चाहिए। जैसे ये होता है 20.22, ठीक है ना, परसेंटेज में होएगा, तो शेष अमाउंट कितना होगा तो घटा के देख लो, 100 के बाद में इसको पता कर लो, क्यों, गलत करने की कोई संभावना ही नहीं रहेगा। तो यहां 8 हो गई, यहां कितना हो गई 7 हो गई, ये कितना हो गया 9 हो गया, इसके बाद ये 7 हो गया, दैट्स ऑल। यानी वाटर का अमाउंट जो होगा इतना रेशियो इतना में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इन, यानी कहने का तात्पर्य, इसमें वाटर को मैंने ले लिया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें HCl को ले लिया, HCl को, इसमें वाटर जल को, ठीक है, और दोनों को जब मैंने लेकर मिलाया तो क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, इसमें कितना है वाटर में कितना लिया हूं, यानी 89.78 ग्राम। तो इसमें इसको मैं लिया हूं 20.22 ग्राम। जब इन दोनों को मिलाकर जब मैं ये विलयन तैयार करता हूं तो ये विलयन जो कहलाएगा,
यही स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण कहलाएगा। इसका मतलब कि यह फिक्स टेम्परेचर पर उबलेगा, इसको फिक्स टेम्परेचर पर उबलेगा, ना तो वाटर के वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना 373 केल्विन पर बॉयल करेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता इतना होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है इस अमाउंट में नहीं दिखाई देगा, अब ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट नहीं, अब इसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा और उसी बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करेगा, उसी क्वथनांक बिंदु पर उबलेगा, ताप को बढ़ाओ या कुछ भी करो लेकिन उबलेगा उसी टेम्परेचर पर, क्लियर है। इसी को बोलते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उबलने की बात करोगे, इसीलिए बोला जाता है कांस्टेंट केल्सिस, कांस्टेंट यानी बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड मिक्सचर बोलते हो, एजियोट्रोप्स मिक्सचर बोलोगे या एजियोट्रोप्स मिक्सचर कहते हो, क्लियर है। हिंदी में एकदम शुद्ध यहां पे बात करूं तो स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण या स्थिर क्वाथी बोलते हैं, तो याद रखना। दूसरी पॉइंट याद कर लेना कि अगर इस प्रकार के द्रव मिश्रण बनाना है तो बाइनरी सॉल्यूशन लेना होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में विलेय और विलायक की जो अमाउंट होगी वो फिक्स होना चाहिए, याद रखना। इसमें विलायक का काम कर रहा है ये और विलेय का काम कर रही है, क्योंकि विलयन में जो कम मात्रा में होगा वो विलेय और जो अधिक मात्रा में होता है विलायक, क्लियर। इस रेशियो में आप अनुपात में जब लेकर के मात्रा ग्राम में लो, एमएल में लो, लीटर में लो, केजी में लो, कुछ भी लेकर बनाना चाहते हो सॉल्यूशन, तब भी वैसे मिश्रण संघटन एक निश्चित टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, क्लियर। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीसरा इसका मुख्य कंडीशन बताना चाहूंगा कि इसका लिक्विड फॉर्म के और वेपर फॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि द्रव अवस्था, ठीक है, यहां पे देख लो, सबसे बढ़िया ये बात कर रहा हूं कि यहां ये बातें कि द्रव अवस्था अवस्था में विलेय का मोल अंश जो होगा उसके वेपर का मतलब वाष्प अवस्था यानी वेपर, ध्यान रखेंगे, वाष्प अवस्था के मोल अंश के क्या होगा, मोल अंश के क्या होता है, मोल अंश के बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर। और बताना चाहूंगा कि इसको जीटा हम लोग लिखते हैं, क्या चीज, जीटा विलेय लिखोगे, यानी मतलब विलेय को मान लो ना, लो विलेय को ए मान लिया HCl को और इसको बी मान लिया विलायक को, तो विलेय ए हो गया और वेपर फेज को y की तरह साइन होती है, इसको वेपर फेज में मोल अंश को अवयव को दर्शाने के लिए ये साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों का वेपर का यानी द्रव अवस्था का मोल अंश, ठीक है, यानी वाष्प अवस्था के मोल अंश के बराबर होता है, ये किसके, तो कंपोनेंट ए के लिए, यानी मतलब कि इसका अवय ए जो है, अवय ए प्रिय बंधु ध्यान रखेंगे, ये जो आपका अवय ए, फिर से मैं दिखा देता हूं, देखिए अवय ए जो है आपका यहां पे है, तो इसका वेपर फेज जो होगा यानी द्रव की अवस्था में है, तो द्रव की अवस्था को मोल अंश को जीटा ए लिखेंगे और इसका वेपर की अवस्था को वाई की तरह साइन होता है, इसको लिखते हैं वाई की साइन की तरह होता है ए, यानी मतलब कि जो HCl है, HCl के द्रव अवस्था का मोल अंश जो होगा उसके वाष्प अवस्था के मोल अंश के बराबर होगा, कब, जब एजियोट्रोप्स मिक्सचर होगा तब, क्लियर। अब देखिएगा, अगर कंपोनेंट बी में मैंने वाटर लिया था, देखिए यहीं पे समझाना चाहूंगा, कंपोनेंट बी के रूप में वाटर मेरा था, तो बी के भी वही बात
कि बी का यानी लिक्विड फॉर्म में वेपर थी मोल अंश जो होगा, इसके वेपर की अवस्था के मोल अंश के क्या होगा, वेपर अवस्था के, वेपर अवस्था का मतलब वेपर फेज यानी वाष्प के रूप में जब जाएगा तो इसके मोल अंश के क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब एजियोट्रोप्स मिक्सचर होगा तब। क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। याद रखेंगे एजियोट्रोप्स मिक्सचर में जो द्रव फॉर्म का मोल अंश होता है वही क्या होता है, उसके वेपर फेज के मोल अंश के बराबर होता है। ये न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल इस टाइप का। क्लियर है। अब एक बात और, आप लोग आसवन, आंशिक आसवन जिसको बोलते हो, ठीक है ना, आसविक आसवन का मतलब, आंशिक आसवन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन होता है, इसका मेन बताना चाहूंगा। जैसे मैं इतना बता दिया, ये बात समझा दिया, फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण के लिए कंडीशन नंबर एक, बाइंड्री सोल्यूशन होना चाहिए द्विअंगी विलयन, अर्थात केवल दो कंपोनेंट विलय एवं विलायक होनी चाहिए। क्लियर। दूसरी बात ये मैं नोट करवा दिया आप लोगों को कि दूसरी पॉइंट ये दिमाग में आप लोगों को होनी चाहिए कि इन दोनों अवयवों को, दोनों अवयवों से जब स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण तैयार कर रहे हो तो दोनों अवयवों का अमाउंट जो मात्रा जो होता है एक निश्चित अनुपात में होता है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। अगली कंडीशन, इसमें ये बता दूं कि अवयव ए का मोल अंश द्रव अवस्था में जो होता है उसके वेपर अवस्था के मोल अंश के बराबर होता है, ये भी याद करने वाली बात। अवयव बी का भी वही कंडीशन होता, अवयव बी का भी वही कंडीशन होता है कि अवयव बी का भी मोल अंश जो होगा द्रव अवस्था में उसके वेपर अवस्था के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब मैं यहां से थोड़ी सी बढ़ना चाहता हूं कि ड्राई डेस्टिलेशन क्या, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, डेस्टिलेशन की बात करें, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन क्या होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं आंशिक आसवन, आसवन का मतलब श्रवण करना, मतलब हीट करना, गर्म करना, ये पहले समझा दूं, ठीक है। पहले देखिए इसका मीन क्या होता है, ये पहले समझा दूं आप लोगों को ताकि ये दिक्कत ना हो। देखिए क्या होता है, जैसे कि एक कंटेनर मैं ले लिया प्रिय बंधु, और इस कंटेनर में मैंने एक पाइप लगा दिया। क्लियर। इसमें मैं ले लेता हूं एक सिंपली आप लोगों का किसी भी अनुपात में मिलाया हुआ वाटर और इथेनॉल का, एथेनॉल और वाटर का मिश्रण, ठीक है। और मैं अब इसे क्या करता हूं प्रिय बंधु, इसको मैं हॉट करने का प्रयत्न कर रहा हूं, इसको क्या करूंगा हॉट, ध्यान रहे, मैं इसे गर्म करने जा रहा हूं, ठीक है, यहां गर्म कर रहा हूं, और इसको मैं यहां से ऐसे करके, ये बंद मेरा है याद रखेंगे, बंद है, ठीक है, और इसको ला करके एक दूसरे कंटेनर में व्यवस्थित कर रहा हूं, ध्यान रखें, एक दूसरे कंटेनर में पाइप को ला दिया, और यहां पे कोई ऐसा चीज रखा हूं जो वाटर से, या मतलब किसी कूल यानी मतलब ठंडे, है ना, वैसे चीज से जा रहा जिसको, इसको यहां से वेपर को ठंडा कर सके, ठीक है, यहां से ठंडा कर सके, ठीक है। और मैं इसको जब हीट कर रहा हूं तो देखो क्या होता, वाटर जो होता है, ठीक है ना, वाटर यहां पे देखिए, इसका क्वथनांक वाटर का, इसमें मिश्रण किसी भी अनुपात में, तो वाटर कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा, जबकि ये जो होता है 78 पॉइंट लगभग 5 डिग्री लगभग अबाउट में बात करते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, बॉयल करता है, ठीक है, बॉयल करता है। तो जब टेम्परेचर दोगे तो प्रिय बंधु बताओ पहले किसका वेपर बनेगा, वाटर का बनेगा कि इसका वेपर बनेगा, जिसका तापमान कम होता है वो सबसे पहले वाष्पित होता है, तो जो पहले वाष्पित होगा उसी के मॉलिक्यूल ना वेपर बन के बाहर जाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, जब ही मैंने टेम्परेचर को 78 डिग्री पर लाया और कर दिया तो देखा कि मेरा एथेनॉल का वेपर बनकर इसमें आ रहा है, और वेपर यहां जिम ही आ रहा है तो यहां ऐसा हो रहा है कि बूंद बूंद करके लिक्विड गिर रहा है,
तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसी को बोलते हो डेस्टिलेशन, बोलते हो श्रवण, बोलते हो आसवन, बोलते हो। मैंने आंशिक आसवन जब कराया तो इस पाइप के द्वारा मैंने वाटर को अलग कर लिया। कब? जब ये एजियोट्रोप्स मिक्सचर नहीं था, स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण नहीं था प्रिय बंधु, ये किसी भी अनुपात में मिलाया गया था। लेकिन जब इसी चीज को एक निश्चित अनुपात में ले लिया जाए, जैसे कि बात करता हूं वही चीज जो अभी दिखाया आप लोगों को, क्या चीज दिखाया था जरा देखिएगा। मैंने HCl को ले लेता हूं 20 दशमलव इतना में, ठीक है, इतना ग्राम में ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और वाटर को मैं ले लेता हूं 7.9 और 7.8 ग्राम ले लेता हूं, और ये मैं बिलियन को बना दिया। तो अब ये बताओ कैसा बिलियन बना, तो स्थिर क्वथनांकी ये द्रव मिश्रण कहलाएगा। और इस प्रकार के द्रव मिश्रण को, इस प्रकार के प्रिय बंधु द्रव मिश्रण को, इस प्रकार के द्रव मिश्रण को तुम बॉयल करोगे तो इनके दोनों मॉलिक्यूल एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे, अर्थात इनके अवयव को आप अलग नहीं कर सकते हो। यानी आंशिक आसवन विधि के द्वारा स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही अवय एक ही पॉइंट पर बिलियन में बॉयल करने लगते, अर्थात बिलियन का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगी। लेकिन इस बिलियन में देखा कि इसकी टेम्परेचर क्या थी, एक का वाटर का 100 डिग्री और एक का लगभग 78 डिग्री था, समझ में आ गया। तो ये अलग अलग होने के कारण हम अलग अलग कर लिए, बट इन दोनों का अब कंपोनेंट का जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये फिक्स हो। क्लियर समझ में आ गया होगा प्रिय बंधु। मैं अब चलता हूं आप लोगों को आगे की ओर बातें करता, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखें आप लोग, अब मैं चलता हूं डेफिनेशन की ओर, डेफिनेशन समझाते हुए अब इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो कहता है क्या चीज, बोलते हैं डेफिनेशन इसका ये, वैसे द्रव मिश्रण जो अपने अवयव को बिना परिवर्तन के निश्चित ताप पर उबलते हैं। कहता है क्या चीज कि वैसे द्रव मिश्रण जो बिना अपने अवयवों को परिवर्तन किए एक निश्चित तापमान पर बॉयल करता है, उबलता है, उसी को बोलते हो क्या चीज, स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण। और स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण के अवयवों को आप आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अब एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल में बताओगे, वही बताओगे कि HCl एवं जल का मिश्रण जिनका अनुपात होगा क्या चीज से, यानी मतलब कि यानी 79.78% वाटर एवं HCl 20.22% होगा। और ऐसे ये जब मिलेंगे तो ये स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण ही बनाएंगे। क्लियर, चलते हैं अगली इसके पार्ट को लेकर। तो देखिएगा प्रिय बंधु, अब यहां स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण का फिर डेफिनेशन एक बार बताना चाहूंगा, आप लोग सुन लेंगे, उसके बाद तब मैं लिखवाना प्रारंभिक करूं, पहले समझा के तब उसके बाद में करता हूं, ठीक है। तो कहता है क्या चीज कि वैसे द्रव मिश्रण जो बिना अवयवों के परिवर्तन किए, यानी अर्थात उनके अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होते, एक निश्चित तापमान पर उबलते हैं, उसी को बोलते हो एजियोट्रोप्स, उसी को बोलते हो स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण। और स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण को आप क्या करोगे, आप आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हो। क्लियर, अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक अधिकतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण होते हैं, ठीक है, और एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण होते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स होगा और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स होता है। क्लियर है, तो मैं दोनों को पहले समझाता हूं, ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम,
ठीक है। तो देखिए एजियोट्रोप्स की बात करता हूं, एजियोट्रोप्स इस टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स, एक होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, मिक्सचर लिख देता हूं इसको भी, एजियोट्रोप्स मिक्सचर, और दूसरा होएगा मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स मिक्सचर। देखिएगा अब ये जो होता, सबसे पहले फंडा ये समझ लो भाई, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स की बात कर रहा है तो ये किस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए लागू होएगा, और न्यूनतम वाला आप लोग पढ़े थे निगेटिव डिविएशन, क्या चीज निगेटिव डिविएशन का मतलब विचलन, अरे राउल्ट के नियम से आदर्श विलयन के लिए ऋणात्मक विचलन, मेग्राफ क्या हुआ था आदर्श विलयन से नीचे गिरा था, क्यों गिरा था, क्यों गिरा था, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन एक ही था, या उसमें क्या होता होगा, उसमें ऑलरेडी क्या फोर्स जो था यानी अवयव के पार्टिकल के बीच जो लगने वाली अंतरक्रिया बल थी अधिक थी, क्या उसको निकलने नहीं दे रहा था, ठीक है यही कारण था ना। और ये जो लागू होता है पॉजिटिव डिविएशन के लिए, पॉजिटिव के मतलब होता है विचलन यानी धनात्मक विचलन के लिए, ओके। अब देखिए मैं यहां लेना चाहूंगा, पहले आप लोगों का एक एक उदाहरण लेता हूं पहले, और पहले कंटेनर को बनाता हूं, ध्यान रखेंगे निगेटिव डिविएशन के लिए, ध्यान रखेंगे मैं यहां पे बनाना कंटेनर चालू करता हूं, एक ये कंटेनर रहा प्रिय बंधु, दूसरी कंटेनर आपका ये रहा प्रिय बंधु, ये दूसरी कंटेनर मैंने ले लिया, इस कंटेनर में आपको मैंने इसको और ऊपर लिख देता हूं, सबसे बढ़िया ऊपर रहेगा, ठीक रहेगा, माइनस यानी कि मतलब क्या हो गया, निगेटिव डिविएशन मतलब क्या, ऋणात्मक विचलन, अनादर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी मिश्रण बनेंगे, जितने भी विलयन बनेंगे, वो सारे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को शो करेंगे, इसका रीजन देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए क्या, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स कहलाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स कहलाएंगे मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने ले लिया HCl, वो भी कितना लिया ये बता दूं आप लोगों को, मैं रेशियो बताना चाहूंगा, इतना परसेंटेज को लिया, 100% में ये रहा इतना, और जिसका टेम्परेचर जो है ये भी जान ले 188 केल्विन, और इधर मैंने ले लिया वाटर H2O जल को, ठीक है, इसको मैंने लिया इतना 79.87 परसेंटेज में, परसेंटेज कहो या ग्राम में कहो कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हो प्रिय बंधु 373 केल्विन होता 100 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों को मैंने इस रेशियो में मिला दिया, ठीक है, मिलाया तो एक बन गया सॉल्यूशन मेरा, एक बन गया विलयन प्रिय बंधु, ठीक है। और ये विलयन जो बन गया तो अब इसमें क्या होंगे, दोनों अवयव होंगे, वाटर और HCl दोनों मिश्रित हो गए, ठीक है। तो इनके जो टेम्परेचर की बात करते हो, इनके जो तापमान की बात करते हो, तो ये हो गए 383 केल्विन पर चले गए, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, डायरेक्टली मैं बताना चाहूंगा क्या चीज, कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले
जब दो द्रवों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो विलयन का क्वथनांक दोनों अवयव के क्वथनांक से क्या होता, अधिक हो जाता है। ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए प्रिय बंधु, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब जो क्या कर रहा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जब दो द्रवों को क्या करते हो, एक निश्चित अनुपात में लेकर मिश्रित करते हो, मिलाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, तो ऐसे द्रव मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स मिक्सचर, यानी इसी को बोलते अधिकतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण या अधिकतम क्वाथी कहते हैं, अधिकतम क्वाथी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब इसके जो कंपोनेंट होंगे, घटक जो होंगे, दोनों घटक की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, 383 केल्विन ही होगी, जबकि यहां देखो ये 188 पर बॉइल कर रहा था, ये कितना, 373 पर बॉइल कर रहा था, अलग अलग था, लेकिन जब एक निश्चित रेशियो मिलाकर जब एजियोट्रोप्स मिक्सचर मैंने बनाया तो दोनों अवयवों का ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इस कंडीशन में इनके अवयवों को आप आंशिक आसवन विधि द्वारा नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो एक बार डेफिनेशन सुन लो क्या बोल रहा हूं। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जब दो द्रव मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिल, जब दो द्रवों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का क्वथनांक या विलयन का क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से क्या होता है, उच्च हो जाता है। जब क्वथनांक उच्च होगा ताप अधिकतम, तो याद करना क्या, यानी भेपर कम बनेगा, वाष्प दाब क्या करेगा, कम उत्पन्न करेगा। इसीलिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले एजियोट्रोप्स, यानी मतलब कि इसमें लिक्विड भाग ले रहे हैं, सब्सटेंस भाग ले रहे हैं। क्लियर, फिर से एक बार ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जब दो द्रवों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का या मिश्रणीय विलयन का क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है, हो जाता है, तो ऐसे द्रव मिश्रण को हम लोग क्या बोलते प्रिय बंधु, अधिकतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण कहते हैं। देखिए मैं बता दूं कि क्वथनांक, ताप का बढ़ना, ताप बढ़ेगा तो भेपर कम बनेगा, जब भेपर कम बनेगा प्रिय बंधु तो जरा बताओ क्या होगा, भेपर कम बनेगा तो वाष्प दाब क्या करेगा, कम उत्पन्न करेगा। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, आगे चलूं, चलता हूं, बात करता हूं। अब इसको देख लिया जाए जरा, उस वो क्या कह रहा है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स में क्या होते हैं, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें मैं लेता हूं आप लोगों को, देखिए क्या चीज, पहले लेता हूं एथेनॉल को और फिर जल के मिश्रण को ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, यहां देखिएगा, एक कंटेनर इसमें ले रहा हूं, ठीक है, ऊपर में लेता हूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां देखिएगा, यहां लेता हूं एथेनॉल को, यानी C2H5OH को प्रिय बंधु, इधर लिया मैंने वाटर को, और आप लोग को लेकर के एक मिश्रण को बनाया और तीसरी कंटेनर में डाल करके एक विलयन तैयार कर लिया। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आप देखिएगा इसका टेम्परेचर तो आप लोग जानते हो वाटर का 373 केल्विन होएगा, और इसका कितना होता है ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, तो उसका होता है 351.3। क्या होता, 351.3 केल्विन होता। अब देखिए
ये किस अनुपात में होते हैं? तो ये जो होता है 95.57, और उसके बाद इसको देख लो तो 4.0 कितना हो जाएगा, 3, और उसके बाद में 4.3। क्लियर है? ये इतना के रेशियो में होते हैं। जब एथेनॉल को और वाटर को इस अनुपात में लेकर अगर विलयन तैयार कर लोगे तो ये जो क्या करेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स मिक्सचर का निर्माण करेगा, न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण को तैयार करेगा। अब ये बात बता दूं आप लोगों को, ये जो मिश्रण जब बन गया तो इस मिश्रण की टेम्परेचर क्या होएगी, ये भी बात ध्यान में रखनी होएगी। तो इनका जो टेम्परेचर होता है, इनका ऑलरेडी टेम्परेचर घट जाता है 351.1 जो होता 1 केल्विन हो जाता, किसका, ये मिश्रण का। क्लियर हो गया प्रिय बंधु, याद रखना। तो मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा, कहता है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जब दो द्रवों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित किया जाता है या मिलाया जाता है, तो बने मिश्रण का यानी क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाता है। तो ऐसे द्रव मिश्रण को क्या कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गया प्रिय बंधु। अब यह मैं बताना चाहूंगा, स्वाभाविक है दोनों कंपोनेंटों से जब इसका क्वथनांक कम हो गया तो ये क्या करेगा, कम पर ही बॉयल करेगा। जब कम पे बॉयल करेगा तो भेपर क्या बने, अधिक बनाएगा। जब भेपर अधिक बनाएगा तो वाष्प दाब अधिक उत्पन्न करेगा, तो वही न गया पॉजिटिव डिविएशन को ले गया, ग्राफ में ऊपर भागेगा। क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन सुन लिया आप लोग। अब मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को लिखवाना प्रारंभ करता हूं, उठा लो कॉपी और नोट करना प्रारंभ करो। देखो प्रिय बंधु, लिखिए पहले आप लोग क्या चीज, जिसको बोलते हो स्थिर क्वथनांक की द्रव मिश्रण, क्वेश्चन में लिखता हूं स्थिर क्वथनांक की द्रव मिश्रण मिश्रण या स्थिर क्वाथी क्या है, या क्या समझते हैं, बात वही हुआ। सबसे पहले मैं इसे लिखवाऊं तब ना इसके प्रकार के बारे में बात किया जाएगा प्रिय बंधु, ठीक है? तो लिखता हूं, लिखिए डायरेक्ट लिखिए इस प्रकार से, वैसे द्रव मिश्रण जो अपने अवयवों के बिना परिवर्तन बिना परिवर्तन के एक निश्चित कोष्ट में लिख देता हूँ, निश्चित ताप पर उबलते हैं, कौमा स्थिर
स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण, स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण कहलाते हैं। मैं ये भी बता दूं, स्थिर जहली कहते हैं इस प्रकार के द्रव मिश्रण से, द्रव मिश्रण मिश्रण से ठीक है अवयवों को, द्रव मिश्रण से अवयवों को आंशिक आश्वन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, जैसे नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय मिश्रण या लिख सकता हूँ ऐसे भी, और एग्जांपल क्या चीज, जल कितना बोलो भाई, जल क्वेश्चन में डालता हूँ 7.97 इतना दशमलव ठीक है, प्लस इतना प्रतिशत HCl का मिश्रण ETC करता हूँ। प्रिय बंधु बहुत सारे हैं ठीक है। अब यहाँ मैं ये भी लिखना प्रारंभ कर देता हूँ, चेंज करके पैराग्राफ, ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे लिखवा सकूं ठीक है, ले लिए होंगे, ऑफकोर्स मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिए एक बार, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ठीक है, मिटाऊं, चलिए मिटाता हूं। हाँ तो देखिए, तो आप लोग देख लिए, डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया आप लोगों को ऑलरेडी ठीक है। अब देखिए इसके प्रकार कितने प्रकार के होते प्रिय बंधु, दो प्रकार के होते ठीक है ना, दो प्रकार कौन कौन देख लीजिए जरा, दो प्रकार में पहला प्रकार नंबर एक मैं डालता हूँ क्लियर। तो इसको भी क्वेश्चन के रूप में ही लिखवाता हूँ, क्या दिक्कत ठीक है। तो क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट मैं लिखवाता हूँ, अधिकतम क्वथनांक की द्रव मिश्रण से क्या समझते हैं ठीक है, अधिकतम अधिकतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण से क्या समझते हैं, उत्तर देता हूं इसका। देखिए आंसर लिखिएगा, इक्वेशन के रूप में हो गया फिर ठीक है, आंसर लिखेंगे तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यही बात है। क्वेश्चन और तरीका से कर सकता है, अधिकतम क्वथनांक की द्रव मिश्रण से क्या समझते हैं, या अधिकतम क्वथनांक की द्रव मिश्रण क्या है, या ये भी कह सकता है
कि यहाँ ऐसे भी कह सकता है अधिकतम क्वाथी क्या है, और इंग्लिश में बात करेंगे तो कहेगा व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड मिक्सचर, या ऐसे भी कह सकता है क्या चीज कि व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, क्या कहेगा व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, क्लियर है। चलिए आगे लिखता हूं, तो कहता है क्या चीज ये इसका डेफिनेशन में, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित प्रदर्शित करने वाले जब दो द्रवों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित का मतलब मिलाना, मिश्रित किया जाता है तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का मतलब मिश्रण, ठीक है ना, विलयन को इसमें मैं लिख देता हूं मिश्रण, ठीक है, विलयन का क्वथनांक, दोनों अवयवों के क्वथनांक, दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक हो जाता है तो ऐसे द्रव मिश्रण को अधिकतम क्वथनांक के द्रव मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखता हूं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे दो द्रव HCl का क्वथनांक 188 केल्विन तथा जल का क्वथनांक क्वथनांक 373 केल्विन होता है जब इन दोनों द्रवों को एक निश्चित अनुपात में
अनुपात में क्रमशः यानी पहले कौन है भाई, पहले HCl है तो 20.22% एवं 79 है ना, 79.78% के निश्चित अनुपात में है ना मिश्रित 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 किया जाता है, मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का क्वथनांक क्वथनांक 383 केल्विन हो जाता है। प्रिय बंधु स्क्रीन शॉट लें ताकि मैं ऊपर बढ़ सकूं, ऊपर लिख सकूं, मैं ऊपर से मिटाना प्रारंभ करूंगा ओके, ताकि मैं कंप्लीट कर सकूं एग्जांपल को। मिटा रहा हूं, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे ओके। चलिए तो क्या कर रहा है, तो बिलियन जो है मिश्रण जो है यानी कि बिलियन वो 383 केल्विन पर क्या कर रहा है, ये बॉयल यानी मतलब कि इसका क्वथनांक उतना हो जाता है, जो क्या है, जो दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक है, तो ऐसे द्रव मिश्रण को अधिकतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण कहा जाता है। कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट, अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं ओके। देखिए इसके दूसरे पार्ट, ठीक है मिटा दूं, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट ओके। चलिए हाँ, तो देखिए प्रिय बंधु अब दूसरा क्या है, न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण, क्वेश्चन ये रहा नंबर टू, कौन यानी स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण के दूसरा पार्ट है न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण क्या है, उदाहरण सहित लिखें, क्लियर ना, उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं, बस एक वो याद कर लो बस काम हो जाएगी, उसमें था ऋणात्मक इसमें आएगा धनात्मक, तो लिखेंगे धनात्मक विचलन
धनात्मक विचलन प्रदर्शित, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने करने वाले जब दो दो ध्रुवों को जब दो ध्रुवों को एक निश्चित अनुपात निश्चित अनुपात में मिश्रित मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण मिश्रण का क्वथनांक मिश्रण का क्वथनांक दोनों अवयवों दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाता है तो ऐसे द्रव मिश्रण को न्यूनतम न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण कहते हैं। प्रिय बंधु आप लोग डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं एग्जांपल दिखा सकूं आप लोगों को, ठीक है? ले लिए होंगे, चलिए मैं एग्जांपल कंप्लीट लिख देता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए मिटाता हूं, डेफिनेशन मिटाता और एग्जांपल लिखना प्रारंभ करता हूं। क्लियर? चलिए एग्जांपल देखें, जरा एग्जांपल की ओर मूव करता हूं, एग्जांपल देखें आप लोग, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, चलते हैं बात करते हैं। तो देखिए क्या चीज, जैसे यहां आप लोग को मैं दे रहा हूं दो द्रव एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल का क्वथनांक एथेनॉल का क्वथनांक 351.3 केल्विन तथा जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है जब इन दोनों द्रवों को एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित अनुपात में क्रमशः 95.57% तथा 4.43% के अनुपात में मिश्रित मिश्रित
किया जाता है तो मिश्रण का क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक 351.1 केल्विन हो जाता है, जो जो दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम है। तो ऐसे द्रव मिश्रण को इस यहाँ कहा जाएगा न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण, द्रव मिश्रण कहा जाता है। प्रिय बंधु ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोगों को मैंने फिगर से पहले समझा दिया हूँ, उसी पार्ट की क्या किया हूँ, व्याख्या किया हूँ, और आप लोग का ये न्यूनतम, ये जो क्वथनांकी द्रव मिश्रण की बात करते थे जिसको बोलते थे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिक्सचर की बात की है, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आने वाला टॉपिक का नाम होगा आप लोग का क्या चीज, वो है यानी तनु बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, जिसमें आएगा हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और इस तरह से प्रसरण दाब। तो आप लोग को मैं अगले टॉपिक में मिलता हूँ, ठीक है। और मस्ती से पढ़िए, न्यूमेरिकल क्लास भी दूंगा, वीक में एक दिन न्यूमेरिकल क्लास आप लोग को देंगे और वो लंबी होगी घंटी, आप लोग को अच्छे से ताकि न्यूमेरिकल भी समझ में, NCERT का सारे प्रश्न को मैं हल करा दूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।